हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ड्रिल मशीन को कैसे हम कटर मशीन में कन्वर्ट करें और कैसे हम इसको, जैसे कि कटर मशीन में जैसे जो एंगल ग्राइंडर रहता है वो, या फिर कटर मशीन रहता है वो, उसमें जो भी काम करते हैं कैसे हम ड्रिल मशीन में करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियो डालूं सबसे पहला व्यू आप मेरा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे पास है ड्रिल मशीन कन्वर्टर, यहाँ पे देखिए। ओके, ड्रिल मशीन को अगर आपको कन्वर्ट करना है एंगल ग्राइंडर को, एंगल ग्राइंडर में, तो आपको ये चीज की जरूरत होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सभी 4 इंच का ब्लेड यूज किया जाएगा और यहाँ पे ये जो चीज है ये आप उसमें लोहा काट सकते हो या फिर यहाँ पे आप वुड वगैरह काट सकते हो। और यहाँ पे ये देखिए इसका जो मार्बल टाइल वगैरह जो भी चीज है वो यहाँ पे ये ब्लेड लगाए, फिर यहाँ पे ग्राइंडिंग ऑयल भी लगाए। ओके, तो ग्राइंडिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए ये फ्लैप डिस्क लगाया गया है, ग्राइंडिंग ऑयल, कटिंग ऑयल सब यहाँ पे लगाया गया है, आप यूज कर सकते हो इसका। दोस्तों ये यहाँ पे देखिए ये भी ग्राइंडिंग किया जाता है, यहाँ पे कटिंग भी, कार पॉलिशिंग भी किया जाता है, कटिंग भी किया जाता है। तो यहाँ पे इसको अगर खरीदना है तो आपको लिंक मिल जाएगा नीचे, 5 in 1। इसमें 5 पीस आते हैं, जैसे कि इसमें एक दोनों एब्यूसर देखिए, ऊपर नीचे का एब्यूसर रहता है इसका, फिर उसका स्पिंडल आ जाएगा जो आप 10 mm या 13 mm, मैं आपको बोलूंगा कि आप 13 mm में यूज कीजिए क्योंकि थोड़ा हैवी रहता है, ये काम भी करेगा। इसका मतलब दोस्तों नहीं है कि आप लेके यूज कर तो लेके घर में रखना नहीं, नहीं दोस्तों इसमें काम भी करते हैं। मेरे शॉप में उसको मैं सेल करता हूँ, बहुत सेल होता है, बहुत लोगों ने लेके यूज भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये आप प्रोफेशनल काम नहीं कर सकते, अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आपको एक कटर मशीन की जरूरत है तो आप इसको लेके कन्वर्ट कर सकते हो ये चीज। तो यहाँ पे एक स्पिंडल मिल जाएगा और दो इसमें पाना लग जाएगा, जो स्पिंडल में ये जो वाला है स्पिंडल में लगेगा और ये जो एब्यूसर को खोलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए 2.4 इंच का यहाँ पे ये आ जाएगा उसका स्पिंडल, 0.62 इंच का यहाँ पे आ जाएगा रहता है पाना, और इसका जो ये चौड़ा ही रहता है और इसका लंबाई 4.41 इंच का ये आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे 4.61 इंच का ये थोड़ा बड़ा रहता है, 55 इंच का ये mm रहता है। ओके, और यहाँ पे एब्यूसर का साइज भी देख सकते हो, अगर आपको खरीदना है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, जाकर परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए रॉस्ट रिमूव भी कर सकते हो, वेल्डिंग ग्राइंडिंग भी कर सकते हो, ग्राइंडिंग बफ, तो यहाँ पे सारा चीज आप कर सकते हो, जैसे कि आप एक ग्राइंडर मशीन या फिर कटर मशीन में कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, अगर आपको खरीदना है तो जरूर जाइए खरीदिए, एक चीज की आप लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, क्योंकि ये अवेलेबल रहता है। अगर आप काम करें तो चीज अच्छा लगता है हमको शौक में खरीदने के लिए, तो यहाँ पे ये खरीद सकते हो, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला, ये चैनल में मिलने वाला है, नया चैनल है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।